नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबका रिजल्ट अच्छा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने इससे पिछले जो वीडियो में सीखा था, तीन ताल आपने कैसे बजाना है, मतलब जो ये मैं ढोलक की जो नई प्ले लिस्ट में मैंने बनाई है, जिसमें मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को ढोलक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें मैं लगभग 4 या 5 लेसन अपलोड कर चुका हूँ, और ये जो हमारा पिछले लेसन में मैंने इससे पिछले लेसन में आपको बताया था, क्योंकि 5 लेसन अपलोड हो चुके हैं। 5वें लेसन में हमने सीखा था तीन ताल को आपने कैसे बजाना है, और तीन ताल के बीच में कायदे किस तरीके से बजाए जाते हैं वो हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक कायदा है और काफ़ी मतलब अच्छे से इसका प्रयोग किया जाता है, और इससे आपकी त्रिकिट भी क्लियर होगी, लगभग सभी बोल इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये आपको किस तरीके से ढोलक पर बजाना है वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हैं, ठीक है। इसके बोल देखते हैं, तीन ताल मैंने, अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं उन वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाएं, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी समझ में ये ना आए, तो इसलिए आपने पहले प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आप यहाँ नीचे लोगों पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप होम पेज पर चले जाएंगे तो साइड में ऊपर तीसरे नंबर पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे होम पेज पर जाके तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लर्न ढोलक स्टेप बाय स्टेप इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सभी एक तरफ से वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, लेसन 1 लेसन 2 इस तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर आप साइड में देख रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो भी प्रोसीजर है, जो भी उसकी फीस है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखें, जब भी हम तीन ताल बजाते हैं, सिंपल से मैंने बता दिया था आपको, 16 मात्रा का तीन ताल होता है, जो कि सारी डिटेल में पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं इसमें कायदा, सबसे पहले कायदा की बोल देखते हैं। धा धा तिर किट धा धा तू ना, ये मैं डबल में बोल रहा हूँ लेकिन सिंगल में आपने करना है। धा धा तिर किट धा धा तू ना, उसके बाद खाली वाला पार्ट, ता ता तिर किट धा धा धी ना, ठीक है, धीना बजा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसका पलटा, धा धा तेर किट धा धा तेर किट धा धा तेर किट धा धा तू ना, ठीक है। फिर ता ता तेर किट ता ता तेर किट धा धा तेर किट धा धा धी ना, इस तरीके से बजाना है। बोल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और सबसे पहले बजाना सीखते हैं कि आपने इसको बजाना कैसे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से तू ना बोल है, लेकिन यहाँ पर आप ती ना बजा सकते हैं, ती आपने ऐसे बजाना है और ना ऐसे बजाना है, ठीक है। तो ये शायद मैं ये पहले भी अपलोड कर चुका हूँ एक बार ढोलक पर, दोबारा से ये अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक मतलब जो पूरा शेड्यूल से जो मैं सिखा रहा हूँ ये उसके अंडर ही आता है, तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको दोबारा से, ठीक है। फिर क्योंकि इसी सीरीज़ में मैं आगे आपको कहरवा बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले किस तरीके से कहरवा स्टार्ट करना चाहिए, तो कहरवा क्योंकि लाइट का थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों का हमेशा रहता है कि ज़्यादातर लाइट ही सीखना है, क्लासिकल है, जैसे कि सोलो वगैरह तो किसी ने करना नहीं है। तो तीन ताल मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी अगर आप तीन ताल में और चीज़ें सीखना चाहते हैं तो कई मैंने एडवांस लेसन डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं पहले ही, वो आप वो देख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट से हम कुछ कहरवा की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहले बेसिक मतलब जो विलंबित कहरवा होता है, स्लो कहरवा, वहाँ से मैं बताना स्टार्ट करूँगा। उसके जितने भी अलग जो मतलब स्लो कहरवा में जो चीज़ें बजाई जाती है, चाहे वो वेरिएशन है या उठान है उसके, ठीक है, या तिहाइयाँ हैं या उसके प्रकार हैं, तो पहले स्लो कहरवा बताऊंगा, फिर मीडियम कहरवा की अलग से वीडियोज़ बनेंगी, फास्ट कहरवा में जो बजने वाले जो भी प्रकार हैं वो अलग से बताऊँगा, इस तरीके से। फिर वैसे ही दादरा का भी है, स्लो में, मीडियम में, और जो फास्ट में है थोड़ा सा जो बोल चेंज हो गया वो भी बताऊँगा। फिर वैसे ही हम सभी तालों में लगभग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उससे आपको पूरा तरीके से सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बीच बीच में आप लोग कहेंगे तो मैं तीन ताल की भी कुछ टुकड़े वगैरह अपलोड जरूर कर दिया करूँगा ढोलक पर,
बाकी एडवांस चीज़ें आपने देखनी है 3 साल में तो पहले ही मैं वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, धा धा तिरकिट धा धा तूना, सिंपल, जैसे कि आपने अगर बेसिक बोल सीखे होंगे तो आपको पता होगा, धा स्लिप किया थोड़ा सा, स्लिप करने का मतलब ये पूरा स्लिप नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि हम एक कायदा बजा रहे हैं, तो धा को आप म्यूट भी कर सकते हैं ऐसे, धा धा तिरकिट धा धा, धा बे साइड में आप देख रहे हैं, धा धा तिरकिट, ठीक है, ये आपको पता है, फिर धा धा तू। अच्छा, यहाँ पर तू की जगह आप ती बजाएंगे, ठीक है, ती ऐसे थपकी से, ती ना, उसके बाद आता है ता ता तिर इट, फिर आता है धा धा धी ना, सिंपल बोल है। और पलटे में जो बोल यूज होंगे वो सेम इसी के ही बोल यूज होंगे, तो आपको कायदा अगर आपने सही से देख लिया कैसे बज रहा है तो आप पलटा भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पलटा मतलब कायदे का जो विस्तार होता है, विस्तार मतलब उसका थोड़ा, उसमें ही कुछ कायदे के जो बोल होते हैं उन्हीं बोलों को थोड़ा सा ज़्यादा उनका विस्तार किया जाता है और वही पलटा होता है, ठीक है। तो जैसे कि कायदे में अगर 16 बोल हैं तो उसमें 32 बोल हो जाते हैं, यानी कि उसका डबल उसको किया जाता है, इस तरीके से मतलब उसका विस्तार ही पलटा कहलाता है, ठीक है। धा धा, एक धा में थोड़ा सा म्यूट किया, बंद किया, या थोड़ा सा स्लिप भी कर सकते हैं, धा धा, ठीक है। दूसरा वाला धा हमने इंडेक्स फिंगर से लिया है, ठीक है, धा धा तीर किट, उसके बाद है धा धा तू ना, या फिर तीना, ठीक है। यहाँ पर मैं तू इसलिए बोल रहा हूँ कि कायदे के बोल तू ना है, लेकिन ढोलक पर आप इसको थपके से बजा सकते हैं ऐसे, ती और ना साइड में, ठीक है। उसके बाद आता है ता ता ता, ता केवल यहाँ से बजाया जाएगा साइड में, ता ता, फिर है तीर किट, ठीक है। उसके बाद धा धा धी ना, ठीक है, धा धा तेर किट धा धा ती, ठीक है, ती ना ता ता तेर किट धा धा तू ना, तीना या धीना, लास्ट में तीना भी बजा सकते हैं और धीना भी बजा सकते हैं, ठीक है। उसे थोड़ा बेस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए मैं धीना बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि धा धा तेर किट धा धा ती ना ता ता तेर किट धा धा धी ना, ऐसे बजा सकते हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, फिर इसका पलटा भी बता देता हूँ और साथ में तिहाई भी बता दूंगा फिर, ठीक है। बोल आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप बोल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर पूरे बोल इसके नहीं आएंगे, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, ठीक है। देखिए किस तरीके से आपने बजाना है, ठीक है, धा धा तीर किट, ठीक है, फिर धा धा ती ना, उसके बाद ता ता तीर किट, फिर धा धा धी ना, लास्ट में आप धीना भी बजा सकते हैं और तीना भी बजा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बेस की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, अब देखते हैं इसका पलटा कैसे बजाया जाएगा, ठीक है। जो कायदे में बोल हैं वही पलटे में ही बजाए जाएंगे, जैसे कि धा धा तीर किट, इसको 3 बार बजाना है, फिर से धा धा तीर किट धा धा, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि धा धा तेरे किट धा धा तेरे किट धा धा तेरे किट, उसके बाद आएगा धा धा तू ना, या फिर जैसे तीना, ठीक है, ढोलक पर बजा रहे हैं, फिर ता ता तेरे किट ता ता तेरे किट, फिर आएगा धा धा तेरे किट धा धा धीना, ठीक है। दोबारा से देखें, धा धा तेर किट धा धा तेर किट धा धा तेर किट धा धा ती ना, फिर ता ता तेर किट ता ता तेर किट धा धा तेर किट धा धा धी ना, बहुत आसान है, ठीक है, इस तरीके से। एक बार दोबारा देख लें, फिर तिहाई बताता हूँ, धा धा, बेस आप देख सकते हैं मैं कैसे कैसे बजा रहा हूँ, ठीक है। धा ऐसे ही मैंने स्लिप किया और दूसरा वाला ऐसे, ठीक है, पीछे की ओर, धा धा तीर किट धा धा ती
ना फिर ता ता तीर इट धा धा भी ना ठीक है ऐसे ये कायदे के बोले हैं। पलटे में भी यही चीजें सेम बजाई हुई हैं ठीक है जैसे कि धा धा तेरा किट धा धा तेरा किट धा धा तेरा किट धा धा ती ना ता ता तेरा किट ता ता तेरा किट धा धा तेरा किट धा धा भी ना सेम है ठीक है। तिहाई कैसे बजेगी धा धा तेरा किट धा धा ती ना धा वन धा के बाद एक जो मात्रा है वो खाली है यही चीज तीन बार कंटिन्यू करनी है। लास्ट में जो धा आएगा आपको बोल्ड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तिहाई के भी ठीक है वहां से आप देख सकते हैं। जैसे कि धा धा तेरा किट धा धा तू ना या तीना ठीक है तू ना फिर धा वन फिर धा धा तेरा किट धा धा ती ना धा वन धा धा तेरा किट धा धा ती ना धा धिन धिन। लास्ट में जो धा आएगा वह वो सीधे हमारा सम होगा मतलब लास्ट में केवल ये बज रहा है धा धा तेरे किट धा धा तीना बस यहाँ पे ना पे खत्म हो गया फिर जो धा आएगा वो सम होगा। तो यहाँ से मत सम मतलब वहाँ से शुरू कर देना है जो हमारा तीन ताल का ठेका है ठीक है। धा धा तेरे किट धा धा तीना धा धिन इस तरीके धिन धा समझ गए। थोड़ा सा अब आपको ये बजा के दिखाता हूँ ये बजेगा कैसे। जैसे कि ठेका बजा रहे हैं हम तीन ताल का धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा 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 तेरे किट धा धा तू ना ता ता तेरे किट धा धा धिन्ना धा धा तेरे किट धा धा तिन ना ता ता तेरे किट धा 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 तेरे किट धा धा तिन ना ता ता तेरे किट धा धा धिन्ना धा धा पलटा धा धा तेरे किट धा धा तेरे किट धा धा तेरे किट धा धा तिन ना ता ता तेरे किट धा धा तेरे किट धा धा तेरे किट धा 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 तेरे किट धा धा तेरे किट धा धा तेरे किट धा धा तिन ना ता ता तेरे किट धा धा तेरे किट धा 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 तिन ना धा धा तेरे किट धा धा तिन ना धा 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 तेरे किट धा धा तिन ना धा 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 तेरे किट धा धा तिन ना धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा किट धिन धिन धा धा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं उम्मीद है आपकी जरूर समझ में आया होगा। तो आगे मैं लगातार ऐसे ही वीडियोस बनाने वाला हूँ कहरवा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। बाकी आपको अगर तीन ताल में और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर मैं कुछ और जरूर अपलोड करूँगा ठीक है। अगर आप यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है इसका कोई चार्ज नहीं है। सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर दें जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियोज अपलोड करता हूँ कभी भी तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है उसका नोटिफिकेशन आप उसको उस टाइम देख सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग से ढोलक सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को जैसे कि पता है इसी प्लेलिस्ट में मैं जो कि जिस अभी प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप अभी इसी वीडियो को देख रहे हैं तो जो इसके शुरू वाले पार्ट हैं वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर।